यह है हर्शिल चॉकलेट सिरप, ये 10 रुपये का आता है, 30 ग्राम है। आप इसे ठंडे दूध में या गर्म दूध में डालकर पी सकते हैं। ये दूध है, 1 कप दूध लेना है हमें, और मिक्सर के जार में बर्फ़ लेना है और उसे अच्छे से क्रश कर लेना है बर्फ़ को पहले। और सबसे पहले बर्फ़ क्रश करने के बाद हम उसमें 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे, और फिर उसके बाद दूध डालेंगे उसमें, ठंडा दूध डालेंगे। अगर हमें मिल्क शेक पीना है, ठंडा चॉकलेट मिल्क शेक जैसा, तो हम ठंडा दूध डालेंगे और फिर उसमें ये हर्शिल का चॉकलेट सिरप डालेंगे। मैंने 1 कप दूध डाला है, 2 से 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है, और ये पूरा पैकेट 10 रुपये का जो है वो पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हमें इस मिक्सी को अच्छी तरह से घुमा लेना है, मिक्सर में से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से इसमें अच्छे से झाग भी आ गया है। ये देखिए अब हम इसे पोर करेंगे, मतलब हम इसे अब कप में और ग्लासेस में डालकर पियेंगे। ये देखिए चॉकलेट फ्लेवर का दूध आप इसे कह सकते हैं, ठंडा गर्म, आपको गर्म पीना है तो आप गर्म करके उसे उबाल कर उसमें डाल सकते हैं। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो मैंने ठंडा दूध बनाया है चॉकलेट का मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक आप कह सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर से उस पर डेकोरेशन कर सकते हैं, ये चॉकलेट का जो बचा हुआ वो डाल सकते हैं, या फिर आपके पास चॉकलेट चिप्स हो घर में तो आप वो डाल सकते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसका डेकोरेशन कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।